बहुत ही ठंडा पानी है गाइस। गाइस ये पता नहीं चल रहा है, ये तो नेचुरल पानी है जो कि प्रकृति की देन है, और ये वाला जो है आप बताइएगा कैसा है। क्योंकि ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं पहाड़ों को बीचों बीच से आ रहा है पानी। तो आज हम जा रहे हैं मठ घोघरा, जो कि लखनऊ का प्रसिद्ध स्थान है। हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और ये दो लोग जा रहे हैं। क्या भाई कहाँ जा रहे हो? पार्टी मनाने भाई, पार्टी। और साथ में हमने रख लिए हैं समोसे को। तो चल रहे हैं अपन बाइक से तीन लोग। सरारा भागे रोत में गाड़ी तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लखनादौन का प्रसिद्ध स्थान मठ घोघरा, जो कि लखनादौन से लगभग उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि प्राकृतिक से भरपूर और सुंदर से भी भरपूर दोनों ही है। वाओ बहुत ही मस्त सीन है भाई। वाओ बहुत ही फेमस झरना भाई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लखनादौन का प्रसिद्ध स्थान मठ घोघरा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, प्रसिद्ध भी है। ऊपर से सीधा इन पत्थरों पर और अंदर गुफाएं हैं, देखिए शिव जी का मंदिर है अंदर, और ये पानी जा रहा है नीचे। अंदर गुफाएं हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी हैं और काफ़ी पुरानी हैं। तो गाइस चट्टान देख सकते हैं आप, कितना ऊंची चट्टान है, और अंदर भी दिखाता हूं आपको। ये रहा अंदर का सीन, ये देखो दोस्तों चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। काफ़ी लंबी गुफाएं हैं, लगता है लगभग बहुत पुरानी है। ऊपर दिखा भाई, ऊपर दिखा, पत्थर है कि मिट्टी है? ये देखो काला पत्थर दोस्तों। यहाँ बैठने की बराबर व्यवस्था है, और ऐसा लग रहा है कि एसी में बैठे मानो, ऐसा लग रहा है भाई कि क्या ही बताएं, मज़ा आ गया भाई। और ये अंदर इधर भी एक गुफाएं हैं, और इधर तो देखो वाह। हम चारों तरफ का सीन दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखो शिव जी का स्थान, और यहाँ भोले बाबा का स्थान शिवलिंग, यहाँ माता रानी की मूर्ति, और आगे की ओर चल रहे हैं अपन। यहाँ लगा हुआ है ताला, और यहाँ पे है शिव जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सराहनीय है। ये देखो, और यहाँ पे चल रही है धोनी पे ज्योतिर्लिंग, शिव जी का ऊपर से पानी गिर रहा है। और आगे की ओर चल रहे हैं अपन। आप देख सकते हैं ऊपर कोई भी रास्ता नहीं है पानी का आने जाने का, पर्वतों के बीचों बीच से यह निकल रहा है, और सीधा यहाँ से आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ देखो ये निकल रहा है पानी, और यहाँ से जा रहा है सीधा नीचे, और यहाँ से, और ये कि यहाँ से आ रहा है, और नीचे का सीन कुछ ऐसा है। और ये रहा आने जाने का रास्ता, यहाँ से सीधा ऊपर। देख लिए हैं सारा कुछ यहाँ का, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम इतने दूर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए थे। और देखो काफ़ी नीचे है वो झरना, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, जब पास में जाते हैं जब ही दिखता है, और काफ़ी लंबी चढ़ाई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।